की हत्या की गई है। खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रहा है, घटना उस वक्त की है जब ये छात्रा कोचिंग से घर वापस लौट रही थी। महावीर नगर कॉलोनी के पास इस वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने, तीन बाइक सवार बदमाश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम क्यों दिया गया और ये बदमाश कौन थे, युवक कौन थे, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। घटना के बाद से पूरे खरगोन में सनसनी फैली हुई है। कसरावत का ये मामला है और कसरावत चौकी में एक मामला भी, एक प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। खरगोन के कसरावत के महावीर नगर कॉलोनी की ये घटना है जहां एक छात्रा को उसके सर पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। बाइक सवार तीन बदमाशों ने, आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये छात्रा कोचिंग से अपने घर की ओर वापस लौट रही थी जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार तीन बदमाश कौन थे, युवक कौन थे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दिया है और आरोपियों की छानबीन कर रही है। दूसरी ओर इस घटना से परिजन छात्रा के बेहद आक्रोशित हैं, जबकि खरगोन में इसके चलते, कसरावद में इसके चलते खासा आक्रोश जनता में भी देखने को मिल रहा है। एक तरह से सनसनी फैली हुई है। ये दर्शना नाम की बच्ची है, इसकी उम्र 18 साल है और इसके दाहिने सिर के पे गनशॉट इंजरी है, जो प्रथम दृष्टया गनशॉट इंजरी देख रही है। ये मारुति कोचिंग कसरावत में पढ़ती थी, अजय पटेल जी पढ़ाया करते थे, 10वीं स्टैंडर्ड में पढ़ती है और आज शाम को 5 से 6 कोचिंग समाप्त होने के बाद जब जा रही थी तो रास्ते में संभवतः किसी ने इस पर गन फायर किया है और जिससे इसकी डेथ हो गई है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो मामला है, अभी घर वालों को भी नहीं पता, पूछताछ चल रही है। कुछ संदिग्ध हैं जिनको पकड़ने के लिए हमारी कसरावत पुलिस लगी है, जल्दी इस मामले का खुलासा होगा।